हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। टुडे वी रीड क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर नंबर 1। तो जिस किसी ने भी मेरे चैप्टर नंबर 1 के वीडियोस देखे नहीं हैं तो प्लीज़ पहले वो जाके देख लें, देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। आ बिजनेस एंटरप्राइज इज एन इंस्टीट्यूशनल। बिजनेस एंटरप्राइजेस जो होता है वो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होता है जहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी कोई सी भी की जाती है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस को हम लोगों ने कुछ पार्ट्स में क्लासिफाई करा है, कुछ पार्ट्स में डिवाइड करा है। वो कौन से हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जो ओनरशिप होती है, जो मालिक होता है बिजनेस एंटरप्राइजेस का, कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड। वो बिजनेस को ठीक है क्लासिफाई करता है इन कैटेगरीज में। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, जो फॉर्म्स है बिजनेस एंटरप्राइजेस का वो क्या है? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस इसको हम लोगों ने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस, पब्लिक एंटरप्राइजेस और थर्ड है जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। प्राइवेट एंटरप्राइजेस का मतलब क्या होता है? ओन मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट पर्सन। देखिएगा, जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस होता है उसका सिंपल सा मतलब होता है कि इसको ओन किया जाता है और मैनेज किया जाता है या फिर कंट्रोल किया जाता है कोई भी प्राइवेट पर्सन्स के थ्रू। पब्लिक एंटरप्राइजेस का मतलब होता है कि इसको ओन किया जाता है, मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है बाय गवर्नमेंट। पब्लिक एंटरप्राइजेस को गवर्नमेंट मैनेज, कंट्रोल या फिर ओन करती है। जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस, ओन्ड मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर। ठीक है, जो भी प्राइवेट गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर होते हैं ठीक है, वो इन सब चीज़ को जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं या फिर ओन करते हैं। प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी हम लोगों ने 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड करा है, जो कि है नॉन कॉरपोरेट फॉर्म और दूसरा है कॉरपोरेट फॉर्म। नॉन कॉरपोरेट फॉर्म के अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेसेस। नॉन कॉरपोरेशन रेट के अंदर हम लोगों ने इसको डिवाइड करा है 3 पार्ट्स के अंदर, जो कि हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या फिर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। कॉरपोरेट फॉर्म जो होता है उसको भी हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, जो कि हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जो कि होता है डिपार्टमेंट, अंडरटेकिंग, स्टेट्यूटरी कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, इन केस ऑफ कॉरपोरेट फॉर्म के अंदर प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है अगर ऑफ द एंटरप्राइजेस इज सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ द ओनर। तो उससे उसको एंटरप्रेन्योर जो होता है, एंटरप्राइज जो होती है उसको सेपरेट कर दिया जाता है फ्रॉम दैट द ओनर, ऑन ओनर से। एंड इन केस ऑफ नॉन कॉरपोरेट फॉर्म, और अगर इन केस ऐसा होता है कि नॉन कॉरपोरेट फॉर्म के अंदर आइडेंटिफाई किया जाता है ऑफ द एंटरप्राइजेस को, तो इसके अंदर ये चीज़ जो होती है वो बिल्कुल ही ज़्यादा डिफरेंट होती है फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ओनर से। ओनर से ये बिल्कुल भी ज़्यादा अलग होती है। अब ध्यान से समझिएगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है जिसका बिजनेस फाइनेंस कराया है या फिर कंट्रोल किया जा रहा है सिंगल पर्सन के द्वारा, हु इज़ रिसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड बियर ऑफ ऑल रिस्क, जो कि रिसिपिएंट है सारे के सारे प्रॉफिट का और बियर करता है सारे के सारे रिस्क को या फिर लॉस को। वापस से समझिए,
सोल प्रोप्राइटरशिप जो का मतलब होता है बिजनेस जिसने ओन करा है, फाइनेंस करवाया है या फिर कंट्रोल करा है सिर्फ एक सिंगल पर्सन के थ्रू, जहां पर रिसिपेंट भी वही पर्सन होता है और प्रॉफिट रिसिपेंट भी वही पर्सन होता है प्रॉफिट का, यानी कि उसको अगर प्रॉफिट होगा तो वही पर्सन को ही दिया जाएगा और अगर लॉस होगा तो वही पर्सन जो है वो बेयर अप करेगा। इट इज़ सूटेबल इन एरियाज ऑफ पर्सनलाइज सर्विसेज, ये जो है वो सूटेबल होता है कोई भी एरिया पर्सनलाइज्ड सर्विसेज के अंदर, लाइक ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग, सलून्स एंड स्मॉल स्केल एक्टिविटीज लाइक रिटेल शॉप्स। देखिएगा ये जो सूटेबल होता है अपने अपने एरिए के बेसिस पर, तो भैया एरिया अगर सही होगा पर्सनलाइज्ड होगी सर्विसेज, यानी कि कोई भी पर्सन की पर्सनलाइज्ड सर्विसेज दी जाती है। ब्यूटी पार्लर जो होता है वो खुद का, कोई भी पर्सन जो होता है वो उसके पास जाता है और ब्यूटी पार्लर में पार्लर अपनी बॉडी को या फिर अपनी स्किन को अच्छी करता है। हेयर कटिंग के अंदर भी आप लोग भी हेयर कटिंग में करवाने गए होंगे तो वो जो शॉप होगी वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की होगी, ठीक है। तो ये होता है हेयर कटिंग सलून्स या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके जो फीचर्स होते हैं यानी कि इसकी जो क्वालिटी होती है वो होती है सिंगल ओनरशिप, यानी कि एक अकेला ही मालिक होता है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप के जो फीचर होते हैं उसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है वो सिंगल पर्सन ओनरशिप होती है, ठीक है। इट इज़ होली ओन्ड बाय वन इंडिविजुअल, यानी कि इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति के द्वारा ओन किया जाता है, यानी कि चलाया जाता है। कंट्रोल, सोल प्रोप्राइटरशिप हैज़ फुल्ली पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। कंट्रोल क्या होता है, सेल्फ प्रोप्राइटरशिप को ये अधिकार होता है, ये पावर होती है कि वो अपने डिसीजन को खुद भी ले सके। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, लीगल देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड बिजनेसमैन। यहाँ पर लीगली अगर देखा जाए तो बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच में कोई भी ज़रा सा भी डिफरेंसेस नहीं होता है। अल्टीमेटेड लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ ओनर इज़ अल्टीमेटेड। जो लाइबिलिटी होती है किसी भी ओनर की वो होती है अनलिमिटेड। इन केस द असेट्स ऑफ बिजनेस आर नॉट सफिशियंट, अगर हम लोग देखें कि जो किसी भी असेट्स होती है उसको बिजनेस की जो इन केस द असेट्स ऑफ बिजनेस अगर हम लोग देखें कि कोई भी अगर असेट्स होती है बिजनेस में आर नॉट सफिशियंट टू मीट इट्स डेट, वो बिल्कुल भी सफिशियंट नहीं होती है जिससे कि अपने डेब्ट को लोन्स को चुका सके। द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ ओनर कैन बी यूज फॉर पेइंग डेब्ट्स, जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, इन केस अगर उसका बिजनेस नहीं चल पा रहा है, ठीक है, और उसके पास बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका है तो वो अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के भी अपने डेब्ट्स को अपने जो अपने ऊपर लोन्स हैं वगैरह हैं उस चीज़ को भी चुका सकता है। नो लीगल फॉर्मेलिटीज़, यानी कि इसमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। नॉट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट मैनेज एंड एडवाइज एंड डिसॉल्व सच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर क्या होता है कोई भी रिक्वायर्ड चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चाहे वो स्टार्ट में हो या फिर स्टार्टिंग में हो या फिर मैनेज कर सके या फिर डिसॉल्व कर सके हर एक बिजनेस में। सोल रिस्क बेयरर एंड प्रॉफिट रिसिप्ट, ठीक है, जो सोल रिस्क बेयरर होता है यानी कि जो अकेला ही बेयर करता है प्रॉफिट को या फिर लॉस को, ही बेयर्स द कंप्लीट रिस्क एंड देयर इज नो ब्यूटी टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप जो होती है इसमें सोल करते हैं, ठीक है, रिस्क बेयरर करते हैं, रिस्क जो है वो उठाते हैं और प्रॉफिट जो है वो रिसिप्ट होती है, प्रॉफिट जो होती है वो प्रॉफिट रिसिप्ट होती है रिसिपेंट। ही बेयर्स द कंप्लीट रिस्क एंड देयर इज नो बडी टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ये यहाँ पर सिर्फ एक ही होते हैं आप, इसके अंदर ऐसा नहीं होता है कि कोई और दूसरा आकर आपके प्रॉफिट को शेयर कर सकें। मेरिट्स क्या होते हैं, अब देखिए मेरिट्स मतलब होते हैं इसकी कुछ कमियाँ भी होती हैं,
ईजी टू मेरिट्स होती हैं, देखिए मेरिट्स मतलब होता है इसकी कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। ईजी टू स्टार्ट एंड क्लोज, ठीक है ना, इसको आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं और आसानी से बंद कर सकते हैं। इट कैन बी ईजीली स्टार्टेड एंड क्लोज विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज, ठीक है। इसको हम लोग स्टार्ट तो कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, एक पर्सन के द्वारा भी हम लोग उसको स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें इस कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्विक डिसीजन मेकिंग, जल्दी से हम लोगों को डिसीजन लेना पड़ता है। एज सोल एंटरप्राइजेस, एज सोल ट्रेडर इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंसल्ट ऑफ और इन्फॉर्म एनीबडी अबाउट हिज डिसीजन। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, जो सेंस होता है अकम्प्लिशमेंट का, देयर इज़ अ सेंस ऑफ पर्सनल सेटिस्फैक्शन, इसमें एक दूसरा भी सेंस होता है पर्सनल सेटिस्फैक्शन का। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इसमें बहुत ही ज़्यादा अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। द लाइबिलिटी ऑफ ओनर इज अनलिमिटेड, जो लाइबिलिटी होती है वो किसी भी ओनर की वो अनलिमिटेड होती है। इन केस द असेट्स ऑफ बिजनेस आर नॉट सफिशेंट टू मीट इट्स डेब्ट, द पर्सनल प्रॉपर्टी ओनर कैन बी यूज फॉर पेइंग डेब्ट्स, यानी कि जो पर्सनल प्रॉपर्टी जो होती है ओनर की, वो उसको बेचकर सारे के सारे जो डेब्ट्स होते हैं उसको चुका देता है। नो लीगल फॉर्मेलिटीज़, इसमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट मैनेज एंड डिसॉल्व सच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ज़रूरत पड़ती है स्टार्ट करने की, मैनेज करने की और डिसॉल्व करने की, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की। रिस्क, सोल रिस्क बेयरर एंड प्रॉफिट रिसिप्ट, ठीक है, जो सोल जो होता है उससे उसको प्रॉफिट रिसिप्ट मिलती है। ही बेयर्स द प्रॉफिट द रिस्क एंड देयर इज नो एक सेकेंड ड्यू टू लिमिटेड, देखिएगा, अ सोल रिस्क बेयरर एंड प्रॉफिट रिसिपेंट ही बेयर्स द कम्प्लीट रिस्क, इसमें क्या होता है ये कम्प्लीट रिस्क को बेयर करने के लिए राजी हो जाता है। एंड इज नो बडी टू शेयर प्रॉफिट लॉस विथ हिम, और किसी को भी ये अधिकार नहीं होता कि अगर प्रॉफिट होता है तो वो किसी भी उसके साथ शेयर कर सके, अगर लॉस होता है तो वो वैसे भी उसके साथ शेयर नहीं करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशन, लिमिटेशन जो है वो हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर, ठीक है बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू, हैव अ ग्रेट।